नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सल का अगर बार बार प्रॉब्लम आता है तो क्यों आता है, या फिर आपके एक्सल में से आवाज़ आती है तो आपको क्या करना चाहिए, सारी टिप्स भी दे दूंगा। और चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे लेटेस्ट हो पुराना हो, तो सभी के लिए सेम तरीका है। अभी मैं फेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है अपने पास और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया था। हालांकि काम किए कर रहे हैं हम, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और सीज़न जो है वो थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब ज़्यादा मशीन की कंप्लेंट्स आ रही, तो उसमें क्या है ना, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जितना भी पॉसिबल है वीडियो तो बनाता ही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने खोला है, ठीक है, ये क्या हो रहा था, इससे आवाज़ आ रही थी एक साइड से, तो मैंने क्यों खोला है आपको बताऊँगा। और टूटने से पहले अगर आप खोलते हैं ना तो आपके मालिक के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। देखिए ये जो मैंने पार्ट खोला है इसे बोलते हैं एन्यूलेस रिंग, इसे बोलते हैं एन्यूलेस कैरियर, ठीक है। इसमें होते हैं इस तरीके के एट बोल्ट्स होते हैं। तो ये हमने खोल दिया है यहाँ पे। क्यों खोला है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे कट हुआ है, फिर ये देखिए यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है। अभी देखो कोई आपको बंदा मैकेनिकल है, ठीक है, तो अगर वो आपको बोल देता तो या बोल देगा कि भाई इतना तो चल सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आप फिर वो ही पार्ट डालोगे और बाकी सब नया डालोगे तो आपका फिर से सारा टूटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें तीनों गियर, चारों गियर और ये सब कुछ डालेंगे तो अच्छा काम होता है, तो ये इसके लिए डाल रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, इसे बोलते हैं प्लानिटरी गियर, ठीक है, इसके अंदर होती है प्लानिटरी बेयरिंग। तो इसे क्यों चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, एक कट यहाँ पे, ये दूसरा यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ पे, एक चौथा, पांचवा, यहाँ पे इतने टूट चुके हैं। ये यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है। हाँ, और एक बोनस पॉइंट बताऊँगा आपको कि ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और कुछ जानते भी हैं तो उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं। वो होता है इसके अंदर जो बूश आता है, स्लीव भी बोल सकते हैं या बूश, जो भी आपको उसको नाम देना है, वो अगर पैक नहीं बैठता है तो ठीक है, आपको पैक करवाना चाहिए। अगर इसको गाला गिरता है और आप ये सब कुछ डालते हैं तब भी आपका एक्सल में बार बार प्रॉब्लम आएगा, तो आपको ये सब कुछ चेंज करना पड़ सकता है वहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसका लगभग कॉस्ट आई थिंक 30,000 है वो पार्ट का, आर्म का, सॉरी, अगर इसको बहुत ज़्यादा गाला है तो, क्योंकि वो हिलने लगेगा और बार बार गिर टूटेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा ये बेयरिंग भी चेक करना है आपको, ये देखिए ये वाला बेयरिंग, अगर इसमें ऐसा खींचते ही मेरी तरफ, मैं अगर खींचूंगा और इसमें आपको गैप अगर लगता है खींचने पर मेरी तरफ, कट कट के आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आती है तो इसका मतलब इसमें गैप है। ये वाली बेयरिंग और इसके पीछे बिल्कुल ऐसे ही बेयरिंग होती है, ये भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। और फिर बेयरिंग चेंज करते हो तो सील भी डालना पड़ेगा, तो ये सब कुछ होता है इसमें, इस केस में ऐसे। वो भी गियर डालने वाले, देखिए वो शाफ्ट का भी गियर डालेंगे। तो मुझे लगता है आपका मैंने कवर कर दिया है। अब इसमें लगभग खर्चा जो है वो देखिए 600, 3,000, 5,000, इसका लगभग 8,000 रुपये खर्चा आता है अगर आप आउटसाइड मटेरियल यूज़ करते हैं। और यही मटेरियल आप कंपनी का यूज़ करेंगे तो लगभग 20,000, मतलब 20,000 तक इसका खर्चा आ सकता है, ठीक है। अब उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और लगी है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।